नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके सामने एक नई रेसिपी के साथ। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ राजस्थान की मंगोड़ी की सब्ज़ी। ये बहुत ही टेस्टी होती है और बनाने में भी बहुत आसान होती है। इसके लिए हमें कुछ सामान चाहिए, वो इस प्रकार है। जैसे कि मंगोड़ी, ये मैंने एक कटोरी के आसपास ली है। टमाटर की प्यूरी, यहाँ मैंने दो टमाटर लिए हैं जिन्हें मैंने कस के रखा है। एक हरी मिर्ची जिसे काट के रखा है। आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, गरम मसाला आधा छोटी चम्मच, धनिया पाउडर एक चम्मच, राई एक चम्मच, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, लाल मिर्ची पाउडर एक चम्मच, तेज पत्ता और हींग। और यहाँ मैंने तेल लिया है लगभग एक बड़ा चम्मच। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं मंगोड़ी की सब्जी। इसके लिए सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे, उसमें एक पैन रखेंगे और उसमें पानी को उबाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब पानी उबल चुका है, उसमें हल्के हल्के उबाल आने लगे हैं। जब पानी में उबाल आने लग जाए तब हम उसमें हमारी जो मंगोड़ी है उसको डालकर उबाल लेंगे। इसे हमें सिर्फ 5 या 7 मिनट के लिए ही उबालना है, ज़्यादा नहीं उबालना है इसे, नहीं तो ये पूरी तरीके से गल जाती है। हमें इसे हल्का ही उबालना है। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी मंगोड़ी लगभग उबल चुकी है, हल्की हल्की सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। इस तरीके से निकाल लेंगे स्ट्रेनर की सहायता से, ताकि इसका पानी, बचा हुआ पानी जो है वो निकल जाए। अब हम एक पैन में ऑयल को गरम कर लेंगे और उसमें राई डाल देंगे, साथ ही हम हींग भी डाल देंगे इसमें। अब हम इसमें तेज पत्ता डाल देंगे। इसके बाद हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, टमाटर की प्यूरी डाल देंगे। अब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्ची भी डाल देंगे और साथ ही हम सारे मसाले जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालकर इन सभी मसालों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब प्यूरी थोड़ा सा तेल छोड़ने लग जाए तब हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे, लगभग आधा कप पानी डाल देंगे और प्यूरी में उबाल आने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें उबाल आने लगा है। जब प्यूरी में उबाल आने लग जाएगा अच्छे से, देखिए ये अच्छे से उबाल आ चुका है इसमें, तब हम इसमें हमारी मंगोड़ी को डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी मंगोड़ी की सब्ज़ी बनकर तैयार है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। सादे पराठों के साथ भी ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।